तो आप भी मुझे बताओ कि कौन सबसे इजी क्या था ब्रेक ब्रोक करने के लिए, वन स्टिक या फिर वो बंडल। तो साइंस ने क्या रिप्लाई दिया, वन स्टिक रिप्लाई टू सन। साइंस ने क्या कहा, फोर सन थे जो उसने क्या कहा कि वो वन स्टिक वो सबसे इजी थी, इजीली हम लोगों ने उनको तोड़ दी। यस और नो? एंड द बंडल आस्क्ड द ओल्ड मैन, एंड बंडल का क्या हुआ, उसने पूछा कि आपने वन स्टिक तो तोड़ दी सभी ने, बट व्हाट अबाउट बंडल, ऐसा पूछा ओल्ड मैन ने। नॉट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैन डू दैट, सेड द सेकंड बॉय। उन फोर सन्स में से जो सेकंड बॉय था ना, उसने क्या कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मैन जो होता है ना, वो भी उस बंडल को तोड़ नहीं सकता। ओके, ऐसा रिप्लाई दिया सेकंड बॉय ने ओल्ड मैन को। Indeed, my sons, as long as you are together like the bundle of sticks, no one can break you and your family. क्या कहा उसने ओल्ड मैन ने? Yes, उसने कहा कि ऐसा ही समझो कि अगर आप सब together मिलके कोई भी काम करते हो ना, ठीक है, like bundle of sticks, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। Not even our family, हमारी family भी हमारी family पाएगा अगर आप सब लोग टुगेदर यानी कि यूनाइटेड वर्क करोगे तो। जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स, एक भी सन्स बंडल को तोड़ सका? क्या कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी नहीं तोड़ सकता इस बंडल को। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा कि अगर आप सब भी टुगेदर साथ मिलकर अगर काम करोगे ना, तो हमारी फैमिली को भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। ओके, ऐसा बोला ओल्ड मैन ने। लुक हियर, ग्लोसरी, पंच यानी कि टू हिट समबडी, मुक्का मारना, यूनाइटेड टू स्टे एंड वर्क टुगेदर, बंडल थिंग्स दैट आर टाइड और फोल्डेड टुगेदर। ओके, बट इफ यू फाइट अमंग योरसेल्फ्स सैम, यू कैन बी ब्रोकन इजीली। अगर आप एक दूसरे से ही फाइट करते रहोगे तो आप भी एक दिन टूट जाओगे, कोई भी आके हमारी फैमिली को तोड़ देगा। ठीक है, ओल्ड मैन ने बोला मैंने आपको स्टिक्स क्यों दी, क्योंकि आपको पता चले कि आपको साथ में मिलके काम करना है, क्योंकि ये फोर सन्स तो एवरी टाइम फाइटिंग करते थे, शाउटिंग करते थे एक दूसरे से, ये सुन ना, क्वारलिंग करते थे ना। सो स्टैंड यूनाइटेड, इफ यू आर नॉट यूनाइटेड यू विल फॉल। क्या कहा ओल्ड मैन ने, स्टैंड यूनाइटेड, मिलके काम करो टुगेदर, इफ यू आर नॉट यूनाइटेड यू विल फॉल, आप लोग गिर जाओगे। अगर साथ में मिलके काम नहीं करोगे तो कोई भी हमारी फैमिली को तोड़ देगा। द फोर सन्स प्रॉमिस्ड द ओल्ड मैन दैट दे वुड नेवर क्वारल अगेन। उन फोर सन्स ने ओल्ड मैन से प्रॉमिस किया कि अब हम एक दूसरे से फाइट या फिर शाउट आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं करेंगे, दैट्स आवर प्रॉमिस। उन चारों ने प्रॉमिस किया ओल्ड मैन को कि हम कभी अब एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, हम शाउट भी नहीं करेंगे। बहुत ही बड़ा लेसन यहाँ पे ओल्ड मैन ने दे दिया उन फोर सन्स को कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, एज ए टीम वर्क करते हैं ना हम सब। तो यहाँ पे भी ये फोर सन्स जो डेली शाउटिंग करते थे, सभी गेम्स, मील, क्लोथ सब में वो लोग फाइट करते थे, अब उसने प्रॉमिस किया ओल्ड मैन को कि हम मिल के काम करेंगे, कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। ओके, राइटिंग वर्ड्स स्टैंड बी एन डी बैंड। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 4 एक्सप्लेनेशन पार्ट। कैसे लगे आपको?